नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 20 जनवरी 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब करना ना भूले। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। कोविड बंदिशों में शादियों में खाना परोसने की मंजूरी, सरकार ने जारी किया स्पष्टीकरण। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बुधवार को शादियों में खाना परोसने की मंजूरी दे दी है। सरकार ने इस बारे में पूर्व की अधिसूचनाओं से बने संशय को दूर करने के लिए स्पष्टीकरण जारी किया है। इसमें कहा गया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत खाना परोसा जाए। आदेशों के तहत शादियों में बायोडिग्रेडेबल प्लेट, कांच और कटलरी के उपयोग की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही कोविड 19 के उचित व्यवहार और सुरक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन को सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल में कोरोना के 3148 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज, 7 संक्रमितों की मौत, ओमिक्रॉन का एक और नया मामला। हिमाचल प्रदेश में 3148 और लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में 7 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। तीसरी लहर में ये अब तक की सबसे ज्यादा मौतें हैं। जिला हमीरपुर के 70 वर्षीय बुजुर्ग, शिमला में 58 साल के व्यक्ति, सोलन में 72 वर्षीय बुजुर्ग, ऊना में 75 वर्षीय वृद्ध महिला, कांगड़ा की 105 वर्षीय वृद्ध महिला, चंबा में 65 वर्षीय और 74 वर्षीय दो लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक और मामला सामने आया है। सिरमौर जिले में एक व्यक्ति ओमिक्रॉन पॉजिटिव आया है। इसके साथ ही प्रदेश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 7 मामले आ चुके हैं। प्रदेश में कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 15,210 पहुँच गई है। 19 लोग गंभीर है जो ICU और ऑक्सीजन बेड पर भर्ती है। वेदर अपडेट। हिमाचल में 22 जनवरी को भारी बर्फबारी की चेतावनी। हिमाचल में मौसम एक बार फिर से बिगड़ने वाला है और कड़ाके की ठंड का दौर जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में आगामी 24 जनवरी तक मौसम खराब रहने की संभावना है। विभाग ने 22 जनवरी के लिए बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। बारिश बर्फबारी की वजह से प्रदेश में न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। लोगों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। 22 जनवरी के अलर्ट से पहले प्रदेश में मौसम खराब होना शुरू हो गया है। बुधवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल छाए रहे, जिस कारण लोगों को ठंड का सामना करना पड़ा। वहीं इस दौरान अधिकतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर सुरेंद्र पाल ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के असर से 21 से 24 तक प्रदेश में मौसम खराब रहेगा। 20 जनवरी को मध्यम ऊंचाई और अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बारिश बर्फबारी के आसार है, जबकि मैदानी भागों में मौसम साफ रहेगा। 21 से 24 जनवरी तक पूरे प्रदेश में बारिश और बर्फबारी का दौर चल सकता है। इस दौरान मैदानी भागों में बारिश और पहाड़ी इलाकों में हिमपात का अनुमान है। 22 जनवरी को मैदानों में गरज के साथ बारिश, ओलावृष्टि और पर्वतीय हिस्सों में भारी हिमपात का येलो अलर्ट रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते सरकार ने इस माह की ग्राम सभाओं पर लगाई रोक। प्रदेश सरकार ने बुधवार को राज्य में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए इस महीने की ग्राम सभाओं पर रोक लगा दी है। प्रदेश सरकार ने ग्राम सभाओं पर रोक को लेकर लिखित प्रमाण भी जारी किया है। राज्य के पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने इस संबंध में बुधवार को सभी जिलाधीशों, पंचायत अधिकारियों और खंड विकास अधिकारियों को पत्र जारी कर इसकी जानकारी पहुंचा दी है। पत्र में कहा गया कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ने के कारण पंचायतों में ग्राम सभाओं का आयोजन न किया जाए। 207 करोड़ से निर्मित धर्मशाला मैक्लोडगंज रोपवे शुरू, सीएम जयराम ने किया शुभारंभ। धर्मशाला से मैक्लोडगंज तक मोनो केबल डिटेचेबल गोडोलेंस तकनीक पर आधारित धर्मशाला स्काईवे रोपवे का लोकार्पण बुधवार को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया। रोपवे के माध्यम से धर्मशाला से मैक्लोडगंज का सफर 5 मिनट में तय होगा। धर्मशाला शहर को मैक्लोडगंज से जोड़ने वाले 1.8 किलोमीटर लंबे इस रोपवे का निर्माण 207 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये रोपवे एक घंटे में 1,000 लोगों को एक दिशा में ले जाएगा। ट्रॉली को धर्मशाला से मैक्लोडगंज पहुंचने में 5 मिनट का समय लगेगा। इसमें 10 टावर और 2 स्टेशन है। उन्होंने कहा कि इस रोपवे का निर्माण वर्ष 2018 में शुरू किया गया था और इसे धर्मशाला रोपवे लिमिटेड और हिमाचल प्रदेश पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी परियोजना के रूप में DFBOT मोड के अंतर्गत विकसित किया गया है। खबर। हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से बिजली बोर्ड में 633 पदों पर इसी महीने शुरू होगी भर्ती प्रक्रिया।
हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में लाइनमैन और इलेक्ट्रीशियन के 633 पदों पर इस महीने भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी। कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को भर्ती पत्र भेजने में बिजली बोर्ड प्रबंधन जुट गया है। इसके अलावा 100 चालकों की बोर्ड स्वयं भर्तियां करेगा। बुधवार को बोर्ड मुख्यालय कुमार हाउस शिमला में कर्मचारी यूनियन के साथ हुई बैठक में बोर्ड प्रबंधन ने ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट, 5 जिलों में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। हिमाचल प्रदेश के 5 जिलों कांगड़ा, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर और मंडी में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ने लगी है। हमीरपुर और शिमला में भी एक्टिव मामलों का आंकड़ा 1000 से पार हो गया है, जबकि अन्य 3 जिलों में ये आंकड़ा 1500 से ज्यादा है। एक-एक मामलों में बढ़ोतरी होने के बाद सरकार सख्त कदम उठाने पर विचार कर रही है। स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने उपायुक्त और सीएमओ से फीडबैक लिया है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों को सैंपल बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रभावित क्षेत्रों के लिए शिमला से टीमें भेजी जाएगी। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में लगातार कोरोना पॉजिटिव मामले आने लगे हैं। बड़ी खबर, स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी बोले, कोरोना के मामले नहीं रुके तो लगेगी और बंदी से। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए सरकार 60,000 किट तैयार कर रही है। संक्रमित लोगों को घरों में आइसोलेशन में रखा है। स्थिति सामान्य ना हुई तो आने वाले समय में कुछ और बंदी से लगेगी। लोग कोरोना संक्रमण से बचने के लिए वैक्सीन जरूर लगाए। स्वास्थ्य सचिव ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में पॉजिटिविटी रेट 16% है, ये 2 जिलों में 30% तक है। हिमाचल में देश की तुलना में ये दर अधिक नहीं है, देश में ये दर 25% तक है। खबर शिक्षा निदेशालय से, शिक्षा निदेशालय ने नियमित किए 26 क्लर्क और 16 JOIT। हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ने 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा कर चुके 26 क्लर्कों सहित 16 JOIT को नियमित कर दिया है। शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से बुधवार को इस बाबत लिखित निर्देश जारी कर दिए गए हैं। 23 सितंबर 2021 तक 2 वर्ष का अनुबंध सेवा काल पूरा करने वालों को सरकार ने नियमित करने का फैसला लिया है। इसके अलावा डेली बेस के तौर पर 4 वर्षों से कार्य कर रहे क्लर्कों को भी नियमित करने का फैसला लिया गया है। जिला उपनिदेशकों से इन कर्मचारियों की जानकारी तलब की गई है। बड़ी खबर, BOD की बैठक में फैसला, डिपो में मोबाइल पर OTP आने के बाद ही मिलेगा राशन। हिमाचल प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम के सभी डिपो में मोबाइल नंबर पर OTP आने के बाद ही राशन मिलेगा। प्रदेश के कई जिलों में ये व्यवस्था है। कोविड संक्रमण के चलते ऐसा अब सभी जिलों में किया जाएगा। अन्य जिलों में इसे फिंगरप्रिंट से दिया जाता रहा। डिपो होल्डर अब खाली चावल की बोरियां विभाग को लौटाएंगे नहीं। डिपो में 20 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले सहायकों को लिपिक बनाया जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री राजेंद्र गर्ग की अध्यक्षता में बुधवार को हुई नागरिक आपूर्ति निगम समिति के निदेशक मंडल की 138वीं बैठक में ये फैसला लिया गया है। मंत्री राजेंद्र गर्ग ने कहा कि निगम ने वित्त वर्ष 2020-21 में कुल 1639 करोड़ रुपए का कारोबार किया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 230 करोड़ रुपए अधिक है। बिजनेस की बड़ी कार्यवाही, पंचायत का प्रधान 20,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो विजिलेंस नान की टीम ने सिलाई उपमंडल की बेला पंचायत के प्रधान को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों दबोचा है। जानकारी के अनुसार आरोपी प्रधान पंचायत ने विकास कार्यो की लंबित 2 लाख रुपए की राशि के भुगतान को लेकर शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। इससे परेशान होकर शिकायतकर्ता ने नाहन में सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम को ये शिकायत दी। इसके बाद विजिलेंस की टीम ने आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया। विजिलेंस ने शिकायतकर्ता को 20,000 रुपए देकर पंचायत प्रधान के पास भेजा, जिसके नंबर नोट कर लिए गए थे और निर्धारित रसायन का भी नोटों पर इस्तेमाल किया गया था। मंडी के सुंदरनगर में जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत, 4 गंभीर। आंध्र प्रदेश के मंडी जिले के सुंदरनगर उपमंडल के सलापड़ और कांगू क्षेत्र में बुधवार को जहरीली शराब के सेवन से 5 लोगों की मौत हो गई है। 4 अन्य की हालत गंभीर बनी हुई है, जिनका नेहर चौक मेडिकल कॉलेज में उपचार चल रहा है। प्रारंभिक जांच के अनुसार सभी ने सलापड़ और आसपास के क्षेत्रों से ठेके, दुकान और घर से कांगड़ा और चंडीगढ़ में बनी शराब खरीद कर अलग अलग समूह में पी। वहीं सरकार ने मृतकों के परिजनों को 8-8 लाख रुपए की मदद की घोषणा की है। 4 लाख प्रदेश सरकार और 4 लाख जिला प्रशासन की ओर से मिलेंगे। विधायक राकेश जम्बाल ने बताया कि मृतकों के परिजनों को फौरी राहत के रूप में 50,000 रुपए की राशि भेंट कर दी गई है। उधर मामला सामने आने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि 8 अन्य से पूछताछ की है। मौतों से हड़कंप मचने के बाद शराब माफिया ने सलापड़ कांगू में विभिन्न स्थानों पर शराब गहरी खाई में फेंक दी है।
पुलिस टीम ने कुछ बोतलों को बरामद की है। पुलिस ने शराब माफिया के ठिकानों पर दबिश दी, जहां से 52 पेटियां शराब जब्त की गई है। इस मामले में थाना सुंदरनगर में धारा 304, 308 और 120 बी के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। शराब पीने से 5 लोगों की कथित मौत मामले में SIT गठित, DIG और 3 SP करेंगे जांच। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में शराब पीने से कथित मौत मामले में DGP संजय कुंडू ने DIG मध्य रेंज मधुसूदन की अध्यक्षता में विशेष जांच टीम SIT का गठन किया है। इस टीम के 3 अन्य सदस्य SP कांगड़ा कुशाल चंद शर्मा, SP मंडी शालिनी अग्निहोत्री, राज्य अपराध अन्वेषण विभाग CID के SP अपराध बरिंदर कालिया हो गए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के आदेश के बाद DGP ने तत्काल SIT गठित की है। खबर कर्मचारी चयना योग हमीरपुर से, प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयना योग हमीरपुर ने पोस्ट कोड 810 में हिमाचल प्रदेश मिल्क फेड में मिल्क प्रोक्योरमेंट असिस्टेंट के 9 पदों को भरने के लिए ली गई लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया कि आयोग ने इन पदों को भरने के लिए जून 2020 में आवेदन मांगे थे। आवेदन आने के बाद 9 दिसंबर 2020 में लिखित परीक्षा करवाई गई। आयोग ने मेरिट के आधार पर 33 अभ्यर्थियों का चयन आगामी 15 अंकों की मूल्यांकन परीक्षा के लिए किया है। निदेशालय तलक बगैर परखे भेजे जा रहे कोषागारों में संशोधित वेतनमान के मामले उलझन में अधिकारी। हिमाचल प्रदेश के कोषागारों में संशोधित वेतनमान के लिए विकल्प देने के मामले बगैर जांचे परखे भेजे जा रहे हैं। इस पर राज्य सरकार के वित्त विभाग के तहत कार्यरत कोष लेखा एवं लॉटरीज निदेशालय तलक हो गया है। संयुक्त निदेशक कोष ने सभी जिला अधिकारियों को एक पत्र लिखा है। इसमें सभी कोष अधिकारियों को 2 टूक में कहा गया कि विभागीय अधिकारियों की ओर से वेतन निर्धारण आदेशों को नियमानुसार नहीं देखा जा रहा है। नए वेतनमान के विकल्प भेजने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग राज्य लेखा परीक्षा विभाग के उनके पास नियुक्त अधिकारियों से जांच परख नहीं करवा रहे हैं। संशोधित पे वैन मामला, पुलिस जवानों ने दी आत्मदाह परेड की धमकी। संशोधित पे वैन की मांग कर रहे कांस्टेबलों ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नाम लिख के पत्र में अब चेतावनी दी कि यदि 25 जनवरी 2015 से भर्ती हुए जवानों को न्याय नहीं मिला तो वे 26 जनवरी के दिन रिज पर गणतंत्र परेड के साथ साथ पुलिस के जवान वर्दी में आत्मदाह परेड भी निकालेंगे। कांस्टेबलों की ओर से जारी इस चेतावनी से पुलिस महकमे में हड़कंप की स्थिति है, जबकि दूसरी ओर मुख्यमंत्री बार बार अनुशासित पुलिस वालों को अनुशासन में रहने की सलाह देते हुए कहा है कि इस संबंध में गंभीरता से सोचा जा रहा है।